स्वागत फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूँ बर्थडे वीडियो एडिटिंग। दोस्तों उम्मीद है आप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो से जुड़ी सारे भी मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आते हैं हमारे फोन स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स हमको आ जाना है काज मास्टर के अंदर। काज मास्टर करने के बाद जैसे सेटिंग सेलेक्ट कर लेना है और आपको चले जाना है यहाँ सेटिंग ऑप्शन पे और यहाँ चला जाना है एडिटिंग पे और यहाँ खिसका करके वन पे ला देना है और ओके कर देना है। दोस्तों आपको ओके कर देते हैं हम लोग। ओके के बाद आप पिक यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जो जो आपको पिक सेलेक्ट करनी है। दोस्तों मैं जल्दी से पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स आप जहाँ से पिक सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं डाउनलोड में रखा हूँ तो वहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। सो फ्रेंड्स जैसे मैंने इतने पिक सेलेक्ट कर लिए हैं, मैं जल्दी से आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों तो फ्रेंड्स ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है आपको लेयर में, फिर जाना है आपको मीडिया में। ठीक, वहाँ से मैं डाउनलोड कर लिंक दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो को, यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और यहाँ चल जाइएगा क्रोमा की में, इसको क्रोमा की ऑन कर दीजिएगा। ठीक, और आप यहाँ पे आकर मिलाइएगा। आपको दोस्तों मिलाना है क्या आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों यहाँ से फिर जाना है आपको मीडिया में, फिर यहाँ से जाकर आपके फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। अभी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स ये पे एक पिक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी। सो फ्रेंड्स मैंने पिक सेलेक्ट कर ली है, अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे लेके आइएगा और यहाँ से जैसे ही ये ख़त्म हो रहा है दोस्तों तो क्या करना है आपको, इस पिक पे सेलेक्ट करना है। ठीक, ब्लैक वाले पिक पे जो, हाँ उस पर क्या करना है, क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है आपको। 3 सेकंड है, इसको बड़ा करना है दोस्तों। इस पर क्लिक ग्राफिक्स जाना है और यहाँ मेमोरी लेन लिखा है, इस पर नंबर 1 करके ओके कर देना है। ठीक, वैसे ही आपको सेकंड वाले 3 सेकंड तक करना है। उस पर क्लिक ग्राफिक्स पे जाना है दोस्तों। क्लिप ग्राफिक्स पे जाने के बाद मेमोरी लाइन में जाना है और यहाँ 2 चेक कर देना है। 2 करने के बाद आपको थर्ड पिक पे जाना है दोस्तों और क्या करना है, वैसे ही आपको 3 सेकंड बढ़ाना है, बड़ा करके सेलेक्ट करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे जा करके मेमोरी लाइन कर देना है और 3 कर देना है। उसके बाद आपको चौथे पिक पे जाना है और इसको क्या करना है, बड़ा कर देना है, क्लिक ग्राफिक्स पे जाना है दोस्तों, मेमोरी लेन पे जाकर 4 कर देना है। सो फ्रेंड्स ये हो सका और बाकी पिक को आप डिलीट कर दीजिएगा। मैं गलती से मैं सारा ले चुका हूँ, मतलब ज़्यादा पिक ले चुका हूँ तो मैं जल्दी डिलीट कर देता हूँ इस सबको, जल्दी डिलीट कर देता हूँ। अभी तक आपने लाइक, जल्दी से लाइक कर दो। फिर से आपको क्या करना है देख सकते हैं आप, यहाँ पे आना है दोस्तों जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है और आप चलिए लेयर में, फिर जाना मीडिया में दोस्तों और वहाँ से जाके आप इस PNG को ऐड कर लीजिएगा बर्थडे वाला। फिर इसको नीचे में स्क्रॉल करके ले आना है दोस्तों और यहाँ इसको लगा देना है। ठीक, आप एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ ओवर ऑल एनिमेशन पे आपको जाना है। ठीक, और यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कौन सा ठीक लगेगा दोस्तों। तो मैं अभी नीचे जाके चेक करके आपको दिखा देता हूँ कौन सा आपको अच्छा लगेगा। तो मैं फ्लोटिंग का लगा देता हूँ दोस्तों और ओके कर देता हूँ और PNG को पूरा फुल कर देता हूँ। ठीक, फुल वीडियो का रेशियो तक। इसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर और यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है लेयर में, जो क्लॉक आने के बाद मीडियम जाना है दोस्तों। मीडियम जाने के बाद दोस्तों आपको करना ही है PNG को ऐड कर लेना है बर्थडे वाला, यहाँ पे बर्थडे वाला, और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है और यहाँ लगाने के बाद दोस्तों आपको करना ये है ओके कर देना है। और यहाँ वॉच के नीचे आप अपना नेम डाल सकते हैं। ठीक, मैंने नेम नहीं डाला है दोस्तों, ऐसे कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्ट आप कर लीजिएगा आगे पीछे करके दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब चला करके चेक कर लीजिएगा कहाँ पे ठीक चल रहा है दोस्तों। मैं चला करके चेक कर लिया, आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक, एडजस्ट करने के बाद आपको आ जाना है फिर से स्टार्ट से, आप चला करके चेक कर लेना, यहाँ आना, फिर यहाँ पर क्या करना है आपको सेलेक्ट करना लेयर में, फिर मीडियम जाना, यहाँ से जो ये बैनर, जो बैनर आपका दिख रहा है हैप्पी बर्थडे वाला, उसको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, इसको आपको नीचे लगा देना है। ठीक,
उसको वीडियो को रेशियो तक कर देना है, मतलब सॉरी जो PNG के वीडियो तक कर लेना है, जो है भी बर्थडे वाला है इसको तक बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ से आएंगे हम लोग फिर से लेयर में, लेयर में जाने के बाद दोस्तों मीडियम में दोस्तों यहाँ से आएंगे लाइट इफेक्ट में, और यहाँ से आपको लाइट इफेक्ट ले लेना है, मैं अभी दिखा देता हूँ। फुल स्क्रीन कर लेना है और यहाँ से लेना है नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में दोस्तों, ब्लेंडिंग से ब्लेंड कर देना है, स्क्रीन कर देना है और ओके कर देना है। ठीक, अब वीडियो में चला के आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं कि बढ़िया बन चुका है वीडियो, और मैंने कॉपीराइट की वजह से वीडियो का जो साउंड है ऑफ कर दिया है, आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करो और कमेंट करो आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए और कैसी चाहिए दोस्तों आज के।